देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर किच्छा से है, आपको बताते चलें, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री हरीश पनेरू ने आज प्रातः किच्छा मंडी स्थित धान तोल केंद्रों पर जाकर किसानों को धान तुलवाने में आ रही परेशानियों के बारे में जानकारी प्राप्त की एवं मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी किच्छा श्री विवेक प्रकाश जी को अवगत कराया कि किसानों का 6 दिन से मंडी में पड़े हुए धान की तोल नहीं हो रही है तथा दक्षिणी सोसाइटी के तोल केंद्र पर बरदाना न होने के कारण कल कोई तोल नहीं हुई। पूरे दिन तोल कराने के लिए किसान चक्कर काटते रहे तथा सोसाइटी एवं आरएफसी के नौकर तोल की लिमिट 500 से लेकर 700 प्रतिदिन होने के कारण किसानों का धान नहीं तुल पा रहा है। उक्त समस्याओं को शीघ्र दूर करने के बारे में उप जिलाधिकारी से आग्रह किया गया जिसको उप जिलाधिकारी ने एक सिरे से खारिज कर दिया, जिस पर पनेरू के साथ तमाम किसान आक्रोशित हो गए तथा उप जिलाधिकारी से काफी नोकझोंक हुई। नोकझोंक के बाद उप जिलाधिकारी ने पनेरू व किसानों को संतुष्ट करते हुए दक्षिणी सोसाइटी की लिमिट 500 से बढ़ाकर 700 करने और आरएफसी टोल केंद्रों की लिमिट 700 से बढ़ाकर 1000 करने एवं 1 अक्टूबर को तुले धान की पेमेंट तत्काल देने के आदेश सोसाइटी संचालक को दिए हैं, तब जाकर कहीं पनेरू व किसान माने। पनेरू ने कहा कि भाजपा की उत्तराखंड सरकार व उनके जिम्मेदार अधिकारी एकदम सफेद झूठ बोलते हैं। पनेरू ने कहा कि उनके पास ऐसे सैकड़ों प्रमाण हैं जिसका धान 1 तारीख को तुल गया है, भुगतान आज दिन तक नहीं हुआ है, जबकि सरकार के जिम्मेदार अधिकारी 48 घंटे में भुगतान करने का दावा कर रहे हैं। इस अवसर पर बलवंत सिंह, जगदीश चुक, जसविंदर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं सितारगंज से मोहम्मद उस्मान अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।